नमस्कार दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हार मान लेना। सफलता प्राप्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक बार और कोशिश करना और कोशिश करते रहना। दोस्तों, ये कहना था ऐसे व्यक्ति का जिसे उस सदी का सबसे मंदबुद्धि बालक समझा जाता था, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन को हम लोग ज्यादातर इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक मशीन, भाप से चलने वाली गाड़ी को इलेक्ट्रिक से चलाया। ग्रामोफोन का आविष्कार भी एडिसन की ही देन है। एक मंदबुद्धि बालक ने अपनी मेहनत और परिश्रम के दम पर दुनिया को बदल कर रख दिया। तो आइए जानते हैं दोस्तों, एक मंदबुद्धि बालक से महान साइंटिस्ट बनने की कहानी को आज के इस वीडियो में। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के मिलान अहाव नामक जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम सैमुअल ऑगडेन और माता का नाम नैन्सी इलियर्ड था। एडिसन अपने माता पिता के 7 संतानों में सबसे छोटे थे। जब एडिसन थोड़े बड़े हुए तो उनकी माता ने उनका एडमिशन स्कूल में करा दिया, लेकिन कुछ दिन बाद से ही स्कूल से शिकायतें आने लगी। दरअसल होता यह था कि एडिसन टीचरों से इतना सवाल पर सवाल पूछा करते थे कि सभी उनसे तंग हो जाते थे और समझते थे कि यह शरारती और उदंड बच्चा है। यहाँ तक कि घर के बाहर लोग इन्हें मंदबुद्धि बालक समझने लगे और घर पे खूब शिकायतें आने लगी, क्योंकि उनके सवाल ही कुछ इस तरह के होते थे कि अगर पंछी हवा में उड़ सकता है तो आदमी क्यों नहीं उड़ सकता है। दोस्तों, वो बचपन से ही जिज्ञासु थे और हर चीज के पीछे छुपे राज को जानने की कोशिश करते रहते थे। दोस्तों, जो कुछ भी जानते थे या सोचते थे उस पर अपना प्रयोग शुरू कर देते थे, इसीलिए लोग उन्हें सनकी और पागल कहते थे। लेकिन वो लोगों की परवाह किए बगैर अपने कार्य में जुटे रहते थे। एक बार तो उनकी सोच ने लोगों को इतना हैरान कर दिया कि वो वास्तव में समझने लगे कि यह पागल है और सनकी भी, और अपनी पागलपन में कुछ भी कर सकता है। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं था कि उन्होंने लोगों के मुंह से सुना था कि पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं इसलिए हवा में उड़ते हैं। जिज्ञासावश सुबह सुबह उठकर पार्क चले गए और वहाँ से ढेर सारे कीड़े मकोड़ों को पकड़कर एक जान में बंद कर ले आए और उसका घोल बना लिया और उस घोल को अपने दोस्त को पिला दिया, यह जानने के लिए कि दोस्त पक्षी की तरह हवा में उड़ता है या नहीं। पर इसका नतीजा उल्टा हुआ, दोस्त पक्षी की तरह उड़ा तो नहीं, उसकी हालत खराब हो गई और तबीयत बिगड़ गई। और इस बात से एडिसन की खूब पिटाई हुई और उन पर कई पाबंदियां भी लगा दी गई। फिर एक दिन की बात है जब वो स्कूल से घर आए और अपनी माँ को एक कागज देकर कहा कि यह टीचर ने दिया है। जब माँ ने वो कागज देखा तो वो एक चिट्ठी थी जिसे पढ़कर माँ के आंखों में आंसू आ गए। तब एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, इसमें क्या लिखा है। तब आंसू पोंछकर माँ ने कहा कि इसमें लिखा है, आपका बच्चा बहुत होशियार है और किसी जीनियस से कम नहीं है, लेकिन हमारा स्कूल लो लेवल का है और टीचर भी ज्यादा ट्रेंड नहीं है, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते, आप स्वयं शिक्षा दें। दोस्तों, एडिसन जब 9 वर्ष के थे तब उनकी माँ ने उन्हें एक प्रारंभिक विज्ञान की पुस्तक दी थी जिसमें बताया गया था कि रसायन विज्ञान के कुछ प्रयोगों को घर पर कैसे करें। और फिर दोस्तों, एडिसन ने 10 वर्ष की आयु में ही अपने घर पर ही एक प्रयोगशाला बना ली। परंतु कुछ दिन बाद उनकी माँ ने किसी बात से नाराज होकर उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया। अब एडिसन को नई प्रयोगशाला खोलने के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। इसके लिए एडिसन रेल यात्रियों को टिकट और अखबार बेचना शुरू कर दिया। अब रेल में ही एक खाली डिब्बे में उन्होंने अपनी एक नई प्रयोगशाला बना ली थी। लेकिन जब वो 12 साल के थे तब एक प्रयोग करते समय उनके रसायन नीचे गिर गए और रसायन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई। फिर आग तो बुझा दी गई, लेकिन वहाँ के कर्मचारी ने एडिसन के कान पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और उसे गाड़ी से भी उतार दिया। दोस्तों, आप जानते हो, उस एक तमाचे की वजह से एडिसन को ऊंचा सुनाई देने लगा और धीरे धीरे उनके सुनने की क्षमता भी खत्म हो गई। लेकिन उनके जगह कोई और होता तो वह दुखी और निराश हो जाता, लेकिन एडिसन इस बात से दुखी होने के बजाय खुश हुए और जन्म हुआ उनके नए सकारात्मक सोच का, क्योंकि एडिसन को लगा कि अब उनको बेकार की बातें सुनाई नहीं देंगी, अब अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। दोस्तों, 15 साल की आयु में ही थॉमस अल्वा एडिसन ने स्वयं समाचार पत्र की छपाई और प्रकाशित करने लगे थे और खुद से ही चलते ट्रेन में बेचने लगे थे। दिन भर काम करने के बाद उनके पास जो समय बचता था वो अपने प्रयोगशाला में लगा देते थे। दोस्तों, समय के साथ साथ एडिसन महान वैज्ञानिक बन गए और आविष्कार करने लगे। दोस्तों, उनका सबसे पहला आविष्कार था यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर, जिसे वो एक अमेरिकी कंपनी को 5,000 रुपए में बेचने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन्हें हैरानी तब होती है जब उनके प्रिंटर को एक व्यक्ति 40,000 रुपए में खरीदता है। दोस्तों, एडिसन यह बात जानकर पागल की तरह झूमने लगते हैं। अब उनके कामयाबी का सफर शुरू हो चुका था, अब वो एक के बाद एक आविष्कार करते जा रहे थे। उनके आविष्कारों में सबसे बड़ा आविष्कार था बल्ब का आविष्कार। दोस्तों, जैसे ही शाम होती है और अंधेरा होता है हम तुरंत बल्ब चालू कर देते हैं और चारों तरफ उजाला हो जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है दोस्तों कि बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ होगा? शायद हमारे पास इसके बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, बिजली का बल्ब बनाने में थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 से भी अधिक बार
असफलताएं प्राप्त की, लेकिन वो निराश नहीं हुए क्योंकि वो कहते थे कि हम बिजली को इतना सस्ता बना देंगे कि सिर्फ अमीर लोग ही मोमबत्तियां जलाएंगे। कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर उन्होंने मात्र 32 साल की आयु में ही बल्ब का आविष्कार किया। 21 अक्टूबर 1879 को ये पहला बल्ब पूरे दिन भर जलता रहा और दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग इसे देखने आने लगे क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और दोस्तों, जब एडिसन से पूछा गया कि आप 10,000 बार असफल होने के बाद भी कैसे बिना हारे इस काम को करते रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते ढूंढे जो किसी काम के नहीं हैं, जो गलत रास्ते थे। उनके इस सोच ने मानव जाति के लिए मिसाइल काम कर दी। जब तक कोई परिणाम न मिले आगे बढ़ते रहो, और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक उसमें जीत हासिल न कर लो। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन की बात है, एडिसन अपने खाली दिनों में बचपन की कुछ चीजों को देख रहे थे। तभी उनको अलमारी के कोने में पुराना खत मिला। दोस्तों, ये वही खत था जो स्कूल में उन्हें टीचर ने दिया था, जिसको पढ़कर माँ ने बताया था कि इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत होशियार और जीनियस है। यह कहकर उनके माँ की आंखों में आंसू भी आ गए थे। दोस्तों, अब उनके माँ का देहांत हो चुका था और एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन चुके थे। इतना पुराना खत मिलने के बाद एडिसन ने सोचा, जल्दी से देखता हूँ इसमें मेरे बारे में क्या लिखा है। उत्सुकतावश एडिसन ने उसे खोल कर देखा और पढ़ा, लेकिन उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर एडिसन रोने लगे क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मेंटली वीक है, अब आप कभी इसे स्कूल ना भेजें। दोस्तों, इस बात से एडिसन कई घंटों तक रोते रहे और उन्होंने अपने डायरी में लिखा कि कैसे एक महान माँ ने एक मेंटली वीक बच्चे को सदी का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बना दिया। दोस्तों, यही होती है पॉजिटिव पेरेंट्स की रियल पावर। और फिर 18 अक्टूबर 1934 को इस दुनिया से विदा ले गए और जाते जाते इस दुनिया को रोशन कर गए। दोस्तों, जिस दिन थॉमस अल्वा एडिसन की मृत्यु हुई, पूरे अमेरिका में एक दिन के लिए लाइट को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, अपने जिंदगी में कभी उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि वो खुद पर विश्वास करते थे। तो उनका कहना था कि मैंने कभी काम नहीं किया, मैंने जो भी किया वो मेरा एक मनोरंजन था। लेकिन दोस्तों, आप और मैं सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने मनोरंजन में इस दुनिया को क्या क्या देकर चले गए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।